हितेश भरद्वाज का सिनेमा करियर ज़्यादा लंबा तो नहीं रहा है, परंतु फिर भी इन्होंने अच्छे खासे शोज में काम किया है। तो चलिए जानते हैं हितेश भरद्वाज अब तक किन किन टीवी शोज और मूवीज में नजर आ चुके हैं। हितेश भरद्वाज ने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत 2012 में की थी। सबसे पहले चैनल वी इंडिया के सीरियल सुवरीन गूगल टॉपर ऑफ द ईयर में जोरो का रोल करते नजर आए थे। इसमें इन्होंने स्पोर्टिंग रोल किया। इसके बाद ये बिंदास के शो लव बाय चांस में आदर्श शर्मा का एपिसोडिक रोल करते नजर आए, जिसमें एपिसोड नंबर 10 में दिखाई दिए थे। मिलियन डॉलर गर्ल में इन्होंने विकी का रोल किया, इसमें भी स्पोर्टिंग रोल ही करते नजर आए। जिंदगी टीवी के सीरियल अगर तुम साथ हो में इन्होंने रवि का रोल किया था, इस शो में इन्होंने लीड रोल किया। इसके बाद हितेश भरद्वाज कलर्स के सीरियल छोटी सरदारनी में मानव शर्मा और विक्रम का रोल करते नजर आए, इस शो में भी एक अहम रोल करते नजर आए थे। यह हितेश भरद्वाज का सबसे पॉपुलर सीरियल है। स्टार्स के सीरियल शोरा और अनोखी की कहानी में इन्होंने एसीपी आहिर का रोल किया है, इसमें स्पोर्टिंग रोल करते नजर आते हैं। इसके अलावा हितेश भरद्वाज खतरा 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 नामक शो में एज ए गेस्ट नजर आ चुके हैं। हितेश भरद्वाज की मूवीज हैं जाने क्यों दे यारो, जिसमें कि इन्होंने असिस्टेंट एडवोकेट का रोल किया, इसमें कैमियो रोल करते नजर आए। कन्फेशंस में इन्होंने आदित्य की भूमिका निभाई, यह एक शॉर्ट मूवी थी। ब्रिज में राहुल का रोल करते नजर आए, यह भी एक शॉर्ट मूवी ही थी। तो ये थे हितेश भरद्वाज के अब तक के सभी टीवी शोज और मूवीज की लिस्ट। आपको इनका कौन सा सीरियल पसंद है हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।